आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी। तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आज डेट है 28। तो बस पहले तो मैंने ना मॉर्निंग से पूरे दिन शुरू नहीं किया था क्योंकि आज ना कुछ काम ऐसा था, लाइट भी नहीं थी, बहुत लेट लाइट आई थी। मतलब लाइट तो आ रही थी क्योंकि ये जहाँ रहते हैं ना ऊपर बन रहा है तो वहाँ पानी वानी चलता रहता है तो फिर नीचे पानी नहीं आता, बहुत परेशानी होती है। फिर उसके बाद आना शुरू हुआ धीरे धीरे तो फिर लाइट चल गुम हो गई, फिर लाइट गुम हो गई तो लाइट बढ़ती रही। एक बजे तो मेरा नहाना वहाना हुआ, फिर खाना वाना, फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था, फिर ये ड्यूटी से आ गए थे 3-4 बजे, उसके बाद इनके साथ खाना खाया। तो इस टाइम मेरा 5 बज रहे हैं तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। तो और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ये भी मुझे शेयर करा करो। तो मैं ना बहुत खुश हूँ, मतलब खुशी की बात तो होती है, हम जिस आदमी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते वो हमारे साथ हो जाए तो अच्छा तो लगता ही है ना। पता है ये कभी मत सोचो कि इस दुनिया में सब लोग गलत ही हैं, गंदे ही हैं, नहीं यार बहुत अच्छे लोग भी पड़े हैं। तो मैंने ना उन दीदी से बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी, पर मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्या है ये तो मैं खैर नहीं कैसे बताऊँ, चलो बता ही देती हूँ। उन्होंने मेरी ना एक छोटी सी हेल्प कर दी है, मतलब छोटी सी भी यार हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है कि उनसे इससे ना ये पता चलता है कि उनका दिल कितना बड़ा है यार, वो मतलब समझते हैं। और जो अपना दिल बड़ा रखता है ना वो सच में ही दिल का और वैसे बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे लोग ना बहुत आगे जाते हैं सच में। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं वो हमसे हेल्प मांग रहा है हमें उसकी हेल्प नहीं करनी, अरे वो हमसे आगे ना निकल जाएगी, यार ये बात गलत होती है। एक दूसरे के सहारे से ही दुनिया आगे बढ़ती है। अगर अपना इंसान अकेला अकेला ही सोचेगा ना कि नहीं हमें तो अकेला ही अकेला चलना है अकेले, तो अकेले अकेले भी यार थक जाओगे। जब पीछे आप मुड़ के देखोगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा अपना, तो आपको तब भी नहीं अच्छा लगेगा, अरे हमारे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो यार सबको सपोर्ट करके चलो। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ आप जो लोग मुझे देखते हैं प्लीज़ मुझे अपना ढेर सारा इसी तरह से मेरे साथ प्यार रखिए और उस प्यार को और ज़्यादा बढ़ाइए तो मैं और अच्छी अच्छी चीज़ कोशिश करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़े ही सही लेकिन थोड़े लोगों का जो मुझे प्यार मिलता है ना, कहते हैं ना प्यार सच्चा हो चाहे थोड़ा सा हो वो भी अच्छा लगता है। तो बस मैं तो इसी सपोर्ट के साथ आगे कर रही हूँ कोशिश, और ये थोड़ा थोड़ा प्यार ज़्यादा में भी हो जाएगा, ज़्यादा में भी चेंज हो जाएगा। तो चलो बातें बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा ही बातें हो गई, चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों से बातें करके मैं आ गई थी यहाँ चावल खाने, ये चावल बचे थे तो मैं इसमें चीनी डाल के खा रही थी। चीनी डाल के शक्कर डाल के खाने से ना बहुत अच्छा लगता है, अभी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले हम छोटे छोटे थे ना तो जब चावल होते थे घर में वाइट वाले जब चावल बनते थे तो वो मम्मी चीनी डाल के शक्कर डाल के ऐसे देती थी, बहुत अच्छा लगता था। और ये पता मेरे हस्बैंड भी बता रहे कि हमने बहुत खाए हैं, शायद बहुत लोगों ने खाए होंगे और अभी भी खाते हैं, हम तो खा लेते हैं भाई ऐसे देसी खाना हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये मेरे से कह, मैं इसको बोल रही थी हेलो कर दे हेलो कर दे, बोलो नहीं पहले चीनी चाहिए चीनी चाहिए। हमारे घर में ना सब लोग मीठे के इतने शौकीन हैं, आप कुछ भी दे दो पता है उनका पेट भरा हो ना और आप कोई मीठी चीज़ अच्छी सी बना के दे दो सब खा लेंगे। और मेरा लड़का तो चीनी के पीछे ही पड़ा हुआ था, मम्मा चीनी दे। तो बस अब उसके बाद ये जिद कर रहे थे सारी पीपी अम्मा के घर ले जाने की, तो मैं इसे मना कर रही थी बेटा सारी पीपी मत लेके जाओ क्योंकि वहाँ पे ना एक दो बच्चे आते हैं तो वो इसकी पीपी को तोड़ देते हैं फिर घर आके रोता है। वैसे तो वो बहुत संभाल के रख लेती हैं जैसे वो लेके जाता है, पर बच्चा है नहीं मानता ना, जिद कर रहा था मम्मी ले जाने दो तो रो रहा था। ठीक है मैं आपसे बात नहीं करूँगा, पता है अभी से ऐसी ऐसी बातें करता है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैंने कहा भैया मत कर, तेरा तो लग रहा है तू बड़े होके क्या बनेगा, बच्चा है पता अभी तो इसकी बातें अच्छी लग रही है। पर ना बच्चा होते ही ऐसे हैं ना कोई कोई, सारे बच्चे अब तो पता है लॉकडाउन की वजह से सब बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं यार। हमारा तो फिर भी चला जाता है घूमने के लिए अपने अम्मा बाबा के घर, वो बहुत अच्छी तरह इसकी केयर करते हैं ध्यान भी रखते हैं, लेकिन डर तो लगता ही है कि वहाँ से वहाँ तक रास्ते में तो जा ही रहा है। लेकिन इसके पापा भी इसका पूरा ध्यान रखते हैं, अब बच्चों को घर में भी तो नहीं रख सकते यार, छोटा सा घर है उसमें क्या बच्चों को खिलाओ पिलाओ। ऐसे मत करो निखर जाएगा बेटा, ऐसे निखर तो ढंग से खाया करो ना, ऐसे क्यों खाते इधर, तो एक तो यहाँ बैठो आप तो यहाँ हम रात का खाना खा रहे थे। और ये मैंने ना वो होती है ना सेम दी जो बोलते हैं, मतलब सेम जो आटे से बनाते हैं हाथों से
हमारे यहाँ तो सेम बोलते हैं और मुझे नहीं पता, तो वही मैंने आज बनाए थे। और मतलब आलू प्याज टमाटर डाल के सब लोग बना लेते हैं, मैंने इसलिए उसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो वही हम लोग खा रहे थे। पहले ना मीठा बनाने का प्लान बना था कि इनको मीठे बनाएंगे, फिर मैंने फिर ये बोली कि चलो नमकीन ही बना लो, तो ये कह रहे नहीं, फिर बाद में बोल रहे पता है नमकीन खा के कि अरे नमकीन बना ली तो मीठे बना लेती, इनका भी कुछ पता नहीं चलता, पल में कुछ। तो पता है मेरी थोड़ी थोड़ी फास्ट आवाज़ निकलती है, मुझे लगता है मैं जो वॉइस ओवर करती हूँ मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, लेकिन मैं ना सच में फास्ट नहीं बोलती हूँ। जब मैं किसी से बात करती हूँ तो बहुत धीरे धीरे बातें करती हूँ, पता नहीं लगता है यार कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए जो आप लोगों को बुरी लगे, तो मुझे इसलिए लगता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। बहुत दिन से ना हम ऐसे ही खा रहे थे, मतलब चूस के कभी काट के, तो आज सोचा चलो मैंगो शेक बना लेते हैं। तो उसके लिए देखो मैंने क्या क्या लिया है, वैसे तो सब लोग जानते हैं इसको बनाना, और देखो पीछे से ना सूरज का रोशनी आ रही है इसलिए अजीब सा लग रहा है ना कितनी ज़्यादा, इसमें से एकदम 3-4 बजे के बाद तो इधर पूरे एरिया में धूप आती है, शीशा लगा हुआ है उसके बाद भी आती है। तो मैंने ये लिया हुआ है चीनी की, 4 चम्मच चीनी है, ये मैंने 4 आम है लेकिन लग नहीं रहे होंगे ना 4 आम है क्योंकि छोटे छोटे आम थे, अब बड़े आम हों तो 2 आम ले लिए। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिए मैंने और थोड़ा सा दूध लूँगी, तो चलिए बनाना बताती हूँ आपको। मैं इसमें बनाऊँगी तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ, वैसे तो साफ है ना लेकिन रखा हुआ है तो फिर भी। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ ये आम, सारे आम डाल लिए मैंने, आपका छोटा वाला जूसर हो यानी मौसम की बड़ा वाला नहीं होता तो आप छोटे वाले में बारी बारी से करके डाल दें, मतलब थोड़ा थोड़ा। अब मैं ये दूध लिया है, ये छोटी वाली गिलसिया है तो मैं सारा डाल दूँगी, और ये है चीनी जो मैंने आपको बताया था। चीनी मैंने इसलिए कम ली है क्योंकि ये ऑलरेडी आम तो मीठा ही होता है और ये पेड़ वाले आम हैं मतलब, तो इसलिए। चीनी डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी डाल दी 1 कटोरी, ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है, आप चाहो तो फ्रिज का पानी ले सकते हो पर सर्दी जुकाम ना हो जाए इस वजह से। अभी से ये छोटे वाले का डाल दिया, सॉरी बंद कर देती हूँ। हाँ मेरा मैंगो शेक बन के तैयार हो चुका है, अब मैं इसे ग्लास में सर्व कर लूँगी, मतलब इनके लिए और अपने लिए बनाया था। बेटा तो मेरा पीता नहीं है, वो तो बहुत ही पता नहीं क्या है नखरे दिखाता है उसे, वैसे तो खा लेगा वो लेकिन वैसे जूस वगैरह बना के दो तो नहीं पीता है, उसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स बना डाल दिए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।